जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ये देखिए कृष्णा जी आ गए, लड्डू गोपाल जी। ये देखिए राधा रानी। ये देखिए श्याम बाबा। मेरे प्यारे भक्तों, जोर से बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज मेरा टॉपिक है कि अगर प्रभु की कृपा, ईश्वरीय कृपा आप पर है तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे जानेंगे कि प्रभु आपके साथ हैं। वो आपको कुछ संकेत देते हैं जिन्हें आप समझ तो पाते हैं लेकिन आपको क्लियर नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। सबसे पहले आपके साथ क्या होगा, आप जहाँ भी रहेंगे ना, आपको अपने आसपास से पॉजिटिव एनर्जी, कुछ खुशबू सी महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, वो आपके ईश्वरीय आपके साथ होते हैं। ईश्वरीय रूप में बार बार आपको कोई ना कोई भगवान हर जगह दिखाई देने लगेंगे, आपको एक ही नाम हर जगह सुनाई देने लगेगा। जैसे आप जिस भगवान को भी मानते हैं, आपको उन्हीं का नाम हर जगह सुनाई देगा। कोई अपने बच्चों का नाम उस तरह पुकारेगा, कहीं टीवी पे वही नाम आने लगेगा, आसपास वो नाम आपको दिखाई देते रहेंगे। आपको किताब देखेंगे तो उसमें आपको उनकी तस्वीर दिखाई देगी। ये सारे संकेत है कि प्रभु आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपसे कुछ बताना चाहते हैं। नंबर दो, कि आपको अकेले में रहने का बहुत मन करेगा, आपको एकांत बहुत ही पसंद आने लगेगा। जो पहले आपको भी एकांत में रहना अच्छा नहीं लगता था, आप एकांत में रहने लगेंगे। नंबर दो, आपको प्रभु के भजन सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आप सुबह शाम जो पहले कुछ भी करते थे लेकिन अब आप क्या करेंगे, उनके भजनों में आपको बहुत मन लगेगा। आप फटाफट उनके भजन सुनेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, लोगों को उन्हीं के बारे में बताना शुरू कर देंगे। आपको उसे बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, आप उनकी बातें करने में आपको बहुत आनंद महसूस होगा। ये सारे संकेत बताते हैं कि आप पर ईश्वरीय कृपा हो चुकी है, अब आपको प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे आप वैसे ही लोगों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। और एक सबसे बड़ी और सबसे प्यारी बात ये होती है कि आपका लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो पहले से बहुत ही बदल जाता है। आपको जीव जंतु, चींटी, गाय, बैल, हाथी, सब जो भी आपको जानवर दिखेगा, आप उसकी उनकी फीलिंग को महसूस करेंगे। उनके आंसुओं को देख के आपको रोना आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोग ना आपके प्रति थोड़े से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को आपकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं होगी, वो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान इतना अच्छा क्यों है। आपकी परिस्थिति कैसी भी होगी आप उसमें खुश होंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं अगर ईश्वर साथ होते हैं तो ये दुनिया में हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ पाती। जब वो हमारे साथ है तो हम यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। इसलिए लोग आपसे बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और आप धीरे धीरे करके सभी लोगों से दूर होने लगते हैं। आपको प्रभु के पास रहना अच्छा लगता है और आपके अपने ही आपसे दूर होते चले जाते हैं। वो आपको पसंद, आपको समझ नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हो। आप लोगों से अलग हटके कुछ करते हैं तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो वही चाहते हैं कि जो हमने किया वही हमारे बच्चे भी करें। लेकिन जब आपको ईश्वर ने कुछ अलग करने के लिए चुना है तो आप सेम चीज़ सेम पैटर्न कैसे यूज कर सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही है ना। तो प्रभु जो आपसे कराएंगे आप उसे करने लगेंगे। धीरे धीरे आपके व्यवहार में बहुत ही बदलाव आएगा, आप कुछ अच्छे काम करने लगेंगे, जल्दी उठने लगेंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे, योगा करने लगेंगे, आपका हर चीज़ के प्रति आपका रुझान जो है वो बढ़ने लगेगा। ये सारे संकेत बताते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं और आप जब भी जिस किसी भगवान की तरफ जाएंगे वो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे। कहीं रास्ते से भगवान की कोई मूर्ति जाने लगेगी तो आपको उन्हें देख के ऐसे लगेगा कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, आप उनसे उन्हें बिल्कुल अपना समझने लगेंगे, अपने माता पिता की तरह। ये सारे संकेत बताते हैं कि प्रभु की कृपा आप पर हो रही है और आगे भी बढ़ती जाएगी। जैसे प्रभु कृपा आपके ऊपर बढ़ेगी, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार होता चला जाएगा। आप जैसे पहले थे, जैसे पहले आलस्य करते थे, कुछ भी करते थे, बीमार रहते थे, वो सारी चीज़ें धीरे 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 खत्म होने लगेंगी। आपके अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको हवाएँ अच्छी लगने लगेगी, आपको पक्षियों को चहचहाना अच्छा लगेगा, पक्षियों को दाना डालना बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही सुंदर फील होने लगेगा। पेड़ पौधे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आप हर चीज़ को एक पॉजिटिविटी की तरह फील करेंगे। आपको हर दिन की एनर्जी समझ में आने लगेगी कि आज कैसी एनर्जी है। आप एनर्जी को समझेंगे, एनर्जी के बारे में बातें करना शुरू कर देंगे, एनर्जी क्या है। और सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा ना, आप उसको एक स्कैनर की तरह स्कैन कर लेंगे।
आप सामने वाले व्यक्ति को देख के सब समझ जाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। और ना भी कहना चाहे अगर वो आपसे कुछ छिपाएगा ना, तो आपसे कुछ छिपेगा नहीं, वो आपसे कुछ नहीं छिपा पाएगा। उसके मन की सारी भावनाएं आपके सामने एकदम प्रकट हो जाएंगे, आप जान जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं ये सब कैसे कर पा रहा हूँ। सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी को आप पहचान जाएंगे, उसके मन के भाव को, वो आपके लिए अच्छी भावनाओं से आ रहा है या गलत भावनाओं से, आप ये सब समझेंगे। आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे और उस एनर्जी के साथ आप बहुत ही हैप्पी महसूस करेंगे और आप बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही सब बातें हैं जो आपको प्रभु कृपा होने पर महसूस होती हैं, और इससे जुड़ी और आगे की जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।